दिवाली की रात लग रहा है सूर्य ग्रहण और सूतक काल भी शुरू हो जाएगा। क्या है टाइमिंग? 2022 में लगने वाला ये आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार दिवाली के ठीक अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को लगेगा। वैसे तो हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण के कारण गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण है और इसे भारत में भी देखा जा सकेगा। तो आखिरी सूर्य ग्रहण इस बार दीपावली 24 अक्टूबर को है, सोमवार, प्रदोष काल में मनाई जाएगी। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार होगा, लेकिन वो 26 अक्टूबर को होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो यह खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पर ही लगता है। तो 25 अक्टूबर को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण साल का चूंकि अंतिम सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण का भारतीय समय अगर हम जानें तो 25 अक्टूबर की दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में लगना शुरू होगा सूर्य ग्रहण, जो शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। भारत में सूर्य ग्रहण शाम 4:29 से शुरू होकर शाम 6:09 पर ख़त्म हो जाएगा। सूतक कब लगेगा? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। अब चूंकि भारत में सूर्य ग्रहण दोपहर 4 बजे के बाद दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल भी सुबह 4 बजे के बाद ही मान्य होगा। और 26 अक्टूबर को भैया दूज मनाया जाएगा, तो 27 अक्टूबर को भैया दूज होगा, 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा। तो चूंकि ग्रहण का प्रभाव भारत में है, इसलिए गर्भवती जो महिलाएं हैं वो रहेंगी बहुत सावधान। ग्रहण के वक्त आपको ना तो सुई में धागा पिरोना है, ना जोर से चीखना चिल्लाना है, ना ही आपको सूर्य की रोशनी में बाहर निकलना है। अगर निकलना बहुत ज़रूरी हो तो अपने आप को पूरी तरह से ढककर निकलें। खाने पीने की वस्तु में आप तुलसी के पत्ते पहले से डालकर रखें। नग्न आँखों से ग्रहण का दर्शन ना करें, पत्ते या तिनका ना तोड़ें, गार्डनिंग ना करें। तो गर्भवती महिलाओं को खासकर बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है और आपको इस समय चाकू, छुरी, कैंची इसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ तक कि ताला चाबी का भी प्रयोग आपको नहीं करना है, ना तो ताला लगाना है कहीं, ना खोलना है। जहाँ तक संभव हो शांत रहें। अपनी गोद में एक पानी वाला नारियल लेके सर पे लाल दुपट्टा रख कर बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर आपने गुरु मंत्र लिया है तो उसी का जप करें। और उसके बाद ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी को बोलिएगा, वो इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देगा। चूँकि इस ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, तो दो शब्दों में जान लेते हैं। पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। मेष राशि वालों, शुरुआत से मानसिक स्थिति में सुधार होगा, धीरे धीरे धन का आगमन होगा, चूँकि ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहता है। तो घर के कार्यों और शिक्षा आदि में व्यस्तता रहेगी मेष वालों के। परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य होंगे, उपहार का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हालांकि धन का खर्चा ज़्यादा ना करें। अगर आप शनि मंत्र का ग्रहण के समय जप करें या बाद में भी जप करें तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा ये ग्रहण, मानसिक चिंताओं को समाप्त करेगा, धन करियर की स्थिति बढ़िया बनी रहेगी, थोड़ी बहुत भागदौड़ व्यस्तता है। अंत में देखिए, यहाँ पर चूंकि 15 दिन तक प्रभाव है तो चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा सा बचना है आपको। हालांकि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिएगा तो आपके लिए उत्तम रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन वालों, व्यर्थ का तनाव थोड़ा सा है, धन के थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, कर्जों की समस्या थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है। हालांकि ग्रहण के वक्त से धीरे धीरे चीज़ें, जैसे 15 दिन तक प्रभाव है तो मध्य के बाद धन आगमन सुचारू रूप से होगा, करियर में सुधार होगा और अंत में रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो जाएंगे। अगर आप ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान वगैरह करके निर्धन को खाने पीने की वस्तु का दान करें तो उत्तम है। कर्क राशि, शुरुआत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम आपका बनेगा, ये ग्रहण का प्रभाव है कि काफ़ी दौर भाग है, व्यस्तता है, लेकिन आपका कोई बड़ा कार्य बनता भी दिखेगा। किसी भी निर्णय को लेकर जल्दबाजी तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा और परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे इस ग्रहण के समय में और निर्धन को अगर केले का दान करें ग्रहण समाप्त होने के बाद तो उत्तम है। सिंह राशि,
आपका रुका हुआ कार्य बनेगा, धन की समस्या दूर होगी, कर्जों से राहत मिलेगी, संपत्ति के कार्यों में व्यस्तता रह सकती है, परिवार में कोई शुभ मंगल कार्य हो सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, विवादों से बचिएगा और ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का खूब जप कीजिए, ग्रहण आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि, आपके लिए ग्रहण स्थितियों को बेहतर करेगा, आपका स्वास्थ्य और मानसिक जो टेंशन है वो सब धीरे धीरे आपका ठीक होता जाएगा। आकस्मिक रूप से धन उपहार मान सम्मान मिलता हुआ दिखेगा। संतान के ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा और अगर आप वाहन चलाते हैं तो जरा संभल के आग यानी अग्नि के कार्यों में थोड़ी सावधानी रखें और निर्धन को खाने पीने की वस्तु ग्रहण समाप्त होने के बाद जरूर दान करें। तुला राशि, तुला वालों आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, करियर संबंधी बड़े निर्णय में सावधानी रखना है। हालांकि धन की स्थिति अच्छी रहेगी, कर्ज कम होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल भी मत टालिए और आपके लिए यात्रा वगैरह के योग भी ये ग्रहण बना रहा है। जहां तक संभव हो शनि मंत्र का खूब जप कीजिएगा, ग्रहण के वक्त भी और बाद में भी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक वालों आपकी तमाम योजनाएं सफल होती जाएंगी, करियर के मामलों में बढ़िया सफलता मिलने के योग है, धन की स्थिति में सुधार होगा, आपकी जो अभी तक चिंताएं थी टेंशन थी वो समाप्त होगा। स्वास्थ्य और खान पान का थोड़ा ख्याल रखिएगा, कोई बड़ा पुरस्कार मिलने के भी संभावना दिखती है। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः का जितना जप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। धनुराशि, आपके लिए ये ग्रहण लाभदायक यात्रा के योग बना रहा है, अगले 15 दिनों में कोई बढ़िया यात्रा है, व्यस्तता बढ़ी रहेगी, हर स्थिति में लाभ ही लाभ होगा और करियर में सुधार होना और परिवर्तन होने के योग भी दिख रहे हैं। शनि मंत्र का जितना ज़्यादा आप जप कर सकें अच्छा है, हालांकि आप अपनी वाणी और स्वभाव पर भी नज़रें बनाए रखें, ध्यान बनाए रखें। मकर राशि, मकर वालों आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य बन जाएगा, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होगी, इस ग्रहण के कारण आपका मन प्रसन्न है, धन की स्थिति बढ़िया है, करियर की बाधाएं समाप्त होगी, स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन आप थोड़ा सा चोट चपेट यानी कि ग्रहण लगने के 15 दिन पे असर होता है लेकिन 8 दिन के लगभग में चोट चपेट दुर्घटनाओं से थोड़ा बचना है। निर्धन को खाने पीने की वस्तु का दान कर सके तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। कुंभ राशि, इस ग्रहण के कारण थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, काम और जिम्मेदारियां के बोझ बढ़ने वाले हैं, तो अगले 15 दिन अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, मानसिक स्थिति को लेकर थोड़ी समस्या है इसका ख्याल रखना है, लेकिन धन और करियर की स्थिति मजबूत बनी रहेगी, नए काम के मामले में सफलता मिलने के योग है और शनि मंत्र का जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम सं शनिश्चराय नमः। मीन राशि, करियर में विशेष सफलता मिलेगी, अगले 15 दिन आपके रुके हुए तमाम कार्य बन जाएंगे, प्रयास जरूर करें, स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना होगा, इसका ख्याल रखें, वाहन खुद से चलाते हैं जरा संभल के, कहीं चोट चपेट लग जाए, कहीं गिर ना जाए। हालांकि धन आएगा लेकिन धन टिकेगा नहीं, खर्च बहुत होंगे। हालांकि अगले 8 दिन में आपके तमाम रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे, तो आप प्रयास जरूर करें निपटाने का। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, बृहस्पति का मंत्र जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना अच्छा है। धन्यवाद, प्रेम मिलेगा।